नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका क्राइम शो में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज क्राइम शो में बेनकाब होगा ऐसा साइको किलर जिसने सीने पर शैतान का टैटू बनवाया। टैटू में 5 नरमुंड बने थे। जबलपुर डबल मर्डर का आरोपी 5 कत्ल करने वाला था। साइको लवर किलर की इनसाइड स्टोरी बस थोड़ी देर में। होशियार ऐसे साइको सीरियल रेपिस्ट से भी जो शिकार के लिए रात को सड़क पर निकल जाता है। छात्रा का मर्डर, कंकाल की मिस्ट्री की तफ्तीश भी होगी और तहकीकात करेंगे बजरंग दल के नेता की मौत और करंट वाली चाल की। जबलपुर डबल मर्डर के आरोपी ने सीने पर एक टैटू गुदवाया था जिसमें बना था शैतान। इस टैटू में 5 नरमुंड भी बने थे। इसके पीछे आरोपी मुकुल का खौफनाक इरादा था। 5 नरमुंड यानी 5 कत्ल। आरोपी मुकुल 5 कत्ल करने वाला था जिसके निशाने पर नाबालिग गर्लफ्रेंड भी थी। एक महिला पुलिस अधिकारी भी इसके टारगेट पर थी। देखिए ये सनसनीखेज खुलासा। पांच लोगों को मर्डर करने का प्लान ने सोच रखा था कि भविष्य में मर्डर करेगा। पांच सीने पर शैतान, 5 टैटू, 5 कत्ल का प्लान। डबल मर्डर का टैटू कनेक्शन। लाश के टुकड़े करने की थी प्लानिंग। गर्लफ्रेंड भी थी उसके निशाने पर। किस पुलिस वाले का करना था उसे कत्ल। जबलपुर डबल मर्डर, सन की आशिक का बदलापुर। डबल मर्डर का आरोपी मुकुल सिंह बेहद शातिर है। पबजी का दीवाना, क्राइम सीरीज का शौकीन, जिसके सीने पर बना यह टैटू एक खौफनाक साजिश का गवाह है। इस टैटू पर बना है शैतान और शैतान के 5 चेहरे, यानी साइको लवर किलर मुकुल 5 कत्ल करने वाला था। इसके निशाने पर राजकुमार ही नहीं बल्कि 4 और लोग थे। प्लानिंग के तहत मृतक राजकुमार की बेटी को साथ मिलाकर पहले राजकुमार की हत्या की। 1976 के मामले में जब जेल गया था, उसके बाद वापस आने पर एक बदले की भावना की वजह से उसने 5 शैतान की 5 मुंडी बना रखी थी अपने सीने में बनाए हैं। उसमें 5 मुंडी 5 लोगों के प्रति है जिनकी हत्या करना चाहता था। उनमें से एक मृतक राजकुमार था। सिर्फ राजकुमार ही नहीं, बदले और इंतकाम की आग में जल रहा शातिर किलर मुकुल नाबालिग लड़की के रिश्तेदार को भी मारना चाहता था। इसने चैटिंग के लिए मना किया था। यहाँ तक कि एक महिला पुलिस अधिकारी भी निशाने पर थी। एक उसकी एक रिलेटिव थी जिसने चैटिंग के लिए मना किया था। इसके अलावा काया, चूंकि उसने शिकायत की थी तो काया वो एक सब इंस्पेक्टर थी हमारी। सुनिए अब सबसे चौंकाने वाला खुलासा। हत्यारा मुकुल नाबालिग लड़की यानी उसकी गर्लफ्रेंड की भी हत्या करने वाला था। और इसके अलावा एक मोहल्ले के ही एक व्यक्ति थे, और इसके अलावा वो नाबालिग बच्ची भी थी जिसने शिकायत की थी। दरअसल सितंबर 2023 में रेलवे अधिकारी राजकुमार ने अपनी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का मामला मुकुल पर दर्ज कराया था। मुकुल इस केस में जेल भी गया। जब जमानत पर बाहर आया तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड यानी नाबालिग लड़की से कॉन्टेक्ट किया। प्यार में अंधी हो चुकी नाबालिग लड़की ने पिता राजकुमार की हत्या का प्लान बॉयफ्रेंड मुकुल के साथ मिलकर बनाया था। 4 महीने से प्लानिंग की जा रही थी। कत्ल के बाद लाश के टुकड़े करने का भी प्लान था। प्लानिंग घटना के करीब 3-4 महीने पहले से इनकी प्लानिंग थी, और इसमें आरोपी मुकुल और नाबालिग बच्ची दोनों शामिल थे। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया था, और इन लोग घटना के बाद बॉडी को डिस्ट्रॉय करके बाहर ठिकाने भी लगाने वाले थे, ऐसा भी इनका प्लान था। क्योंकि बच्ची ने मैसेज कर दिया था जिस वजह से फरार हो गए थे। ऐसे वो रुकते वहाँ और पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते, उसके बाद उन्हें ठिकाने भी लगाते और फिर फरार होते, ऐसा इनका पूछताछ में बताया। लेकिन पकड़े न जाए इसलिए मुकुल और नाबालिग लड़की दोनों फरार हो गए।
75 दिन बाद जबलपुर से हरिद्वार गुनाह के इस रूट में मुकुल और नाबालिग लड़की का सुराग मिला। लड़की पकड़ी गई, फिर सनकी आशिक हत्यारे मुकुल ने सरेंडर किया, तब सनकी आशिक मुकुल के बदले किए खौफनाक कहानी सामने आई। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। प्यार में नाबालिग बेटी ऐसी जल्लाद बनी कि उसने प्रेमी मुकुल के साथ मिलकर पिता की हत्या का प्लान बनाया, मासूम भाई को भी नहीं बख्शा। पिता और भाई के कत्ल के बाद घर में ब्रेकफास्ट किया, घर में पिता और भाई की लाश पड़ी थी। इधर नाबालिग बेटी प्रेमी के साथ मृतक पिता का बैंक अकाउंट खंगाल रही थी। देखिए 75 दिन जबलपुर डबल मर्डर की ये इनसाइड स्टोरी। बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया। 2-3 घंटे घर पे भी रहे, उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर ये बात। पिता के कत्ल का प्लान, घर में बॉयफ्रेंड की एंट्री, कुल्हाड़ी से वार, पिता का काम तमाम। भाई ने मचाया शोर, फ्रिज में मिली लाश, बॉयफ्रेंड की खूनी साजिश, प्यार में बेटी बनी जल्लाद। डबल मर्डर के बाद कातिलों ने किया ब्रेकफास्ट, के मिटाए निशान, अगरबत्ती जलाई, घर में पिता भाई की लाश, वो ट्रांसफर करे रुपए। पचहत्तर दिन, 8 राज्य, बेटी और आशिक का बदलापुर। रात का ये वही वक्त था जब नाबालिग बेटी इंतजार कर रही थी अपने प्रेमी मुकुल का। करीब 4 बजे जबलपुर के रेलवे कॉलोनी में नाबालिग बेटी ने बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह की एंट्री कराई, कुल्हाड़ी से वार करके पिता को खामोश किया। लेकिन ठीक इसी वक्त 8 साल का मासूम तनिष्क जाग गया। बहन को छोटे भाई पर भी रहम नहीं आया, 8 साल के तनिष्क की भी हत्या कर दी गई। उसके बाद शुरू हुआ सबूत मिटाने का प्लान। तनिष्क की लाश को फ्रिज में छुपाया, घर में खून के निशान मिटाए, अगरबत्ती लगाई और फिर आराम से डबल मर्डर के हत्यारों ने ब्रेकफास्ट किया। इस पूरी घटना में दोनों का बराबर कनाइवेंस रहा। इनका जब हत्या की दोनों लोगों की, उसके बाद इन्होंने मिलके पूरे घर को साफ भी किया, अगरबत्ती भी लगाई। इसी बीच दूध वाला आया तो दूध भी इन्होंने जो है रिसीव किया। 2-3 घंटे घर पर भी रहे, उसके बाद पूरी प्लानिंग करके फिर इन्होंने बात की। और इन्होंने घर पर बैठ के जो फादर के बैंक के अकाउंट से मोबाइल से इधर से उधर पैसा जो करना था, इनके पास उस समय पैसा नहीं था, इन्होंने बाहर जाके वो पैसा निकाला। तो ये सारा इन लोगों का उसमें कनाइवेंस और पूरी प्लानिंग दिख रही है जिसके तहत इन्होंने। 15 मार्च को जबलपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में हुए जिस मर्डर से सब दहल उठे थे, लेकिन कत्ल में शामिल मुकुल और मृतक राजकुमार की नाबालिग बेटी के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। दोनों करीब 4 घंटे तक डबल मर्डर के बाद घर में रुके, उसके बाद दूध भी लिया, नाश्ता भी किया, जल्लाद बेटी ने पिता का बैंक अकाउंट भी खंगाला। उसके बाद प्लानिंग के तहत रिश्तेदारों को वॉइस नोट भेजा कि मुकुल ने पापा और भाई की हत्या कर दी है। उस रात भी इन लोगों ने पूरा प्लानिंग करके कि हमें एक एक स्टेप कैसे चूज करना है, ये लोगों ने प्लानिंग की है। सुबह इसकी घर में 4 बजे के आसपास नॉर्मल एक एंट्री हुई, और जो इन्होंने सारी घटना की वो भी बड़ी कोल्ड ब्लड में की, जैसा वो बता रहे हैं। वो कई डिस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो मीडिया के सामने जो बताया जाना भी ठीक नहीं है। तो वो इन्होंने बड़ा कोल्ड ब्लड में ये पूरी घटना की है, और उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक फरार रहने के बाद मतलब वो सब देर मार्क नाउंड।
75 दिन में एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आए। डबल मर्डर के आरोपी मुकुल के कॉलोनी से निकलते हुए उसके पीछे लड़की जाते हुए दिखाई दी। फिर 8 राज्यों में सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, कभी स्टेशन पर, कभी बस स्टैंड पर, कभी कहीं, और नेपाल में भी इन आरोपियों की तलाश में वांटेड के पोस्टर चिपकाए गए। सुबह के समय फादर ने हमला किया तो उन्होंने जब शोर मचाया, शोर मचाने के बाद भाई बाहर आया, वो भी शोर मचाने लगा, तो उस समय फिर इसने उस भाई पे भी हमला कर दिया। जब ये लड़की पकड़ में आई, इसके मन में ये था कि अब ये कहीं जाके मेरा जो वो पुराना वाला केस है उसमें कहीं ये दोबारा बयान दे के मेरा नुकसान नहीं हो जाए, तो ये उस कारण से। और इसके बाद सभी पैसा और ऐसी कोई चीज़ बची नहीं थी, तो इसने फाइनली आके यहाँ पर सरेंडर। इस बीच 8 राज्य में आरोपी मुकुल और मृतक की नाबालिग बेटी आराम से घूमते रहे, लेकिन जब रुपए खत्म हुए तो हरिद्वार में आश्रम में ठिकाने तलाशने लगे, लेकिन नाबालिग लड़की पकड़ी गई। उसके बाद डबल मर्डर के आरोपी सन की आशिक मुकुल ने 30 मई को जबलपुर में सरेंडर कर दिया। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसकी उम्र 30 साल है, जिसके दिमाग में यही बात रहती है आज किसी का शिकार करना है, चाहे बच्ची मिले या फिर महिला। बाकायदा ये दरिंदा रेकी करता, फिर हथियार के दम पर हैवानियत। सुनकर यकीनन कोई भी थर्रा जाए। ग्वालियर के सीरियल रेपिस्ट की कुंडली पुलिस वाले खंगाल रहे हैं, देखिए। सीरियल रेपिस्ट का शॉर्ट एनकाउंटर। उसकी आंखें ढूंढें शिकार, उसकी रगों में दौड़े वहशीपन। छात्रा के साथ दरिंदगी, बुजुर्ग महिला भी हुई थी शिकार। अजनबी हैवान की दहशत। उम्र 30 साल, नाम कोमल भटकारिया, हिस्ट्री शीटर, जिसकी हैवानियत की कहानी सुनकर कोई भी दंग रह जाए। जो घर से निकलता तो शिकार करने, जिसमें दिमाग में एक ही बात रहती, महिला हो या फिर मासूम बच्ची, वो किसी का भी शिकार करेगा। वो घूमता फिरता रेकी करता। 22 मई की रात ग्वालियर में उसे एक ऐसा घर दिखा जहां चुपके से दरिंदा दाखिल हुआ। एक छात्रा इस दरिंदे की बुरी नियत का शिकार हुई। बेखौफ हैवान ने छात्रा के घर में घुसकर उसकी असमत लूटी। इस अजनबी हैवान की दहशत से लोग खौफजदा थे। इधर ग्वालियर पुलिस को इस दरिंदे की तलाश थी। छात्रा के साथ में घर में घुस के एक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिससे पूरा हमारा ग्वालियर के सभी लोग हिल गए थे कि एक अज्ञात व्यक्ति आया और उसने घर में घुस कर जबरदस्ती युवती के साथ में मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म किया। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ई बाइक पर नजर आया ये हैवान, जो चिनौर से भागने की फिराक में था। 3 थाने की पुलिस ने नाकाबंदी की। इधर रेपिस्ट कोमल ने पुलिस पर फायरिंग की, उधर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में सीरियल रेपिस्ट का शॉर्ट एनकाउंटर किया। गोली पैर में लगी। और जब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हमारी पुलिस पार्टी ने ट्रैप लगाया तो उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया था, तो पुलिस पार्टी ने भी आत्मरक्षार्थ में उसको गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लग गई थी और उसको तत्काल इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया था। अब तक पुलिस इस हैवान के खौफनाक इरादों से वाकिफ नहीं थी, लेकिन जब पूछताछ हुई तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। 1 साल पहले 65 साल की बुजुर्ग महिला के साथ कट्टे के दम पर इसने रेप किया था। भिंड के रहने वाले आरोपी कोमल पर कई संगीन मामले दर्ज हैं। आत्तन अपराधी है, इसके ऊपर करीब 10-12 अपराध हैं, गंभीर लूट, हत्या का प्रयास, बलात्कार, और जो इसने इसका हैबिचुअल इस टाइप की घटना करने का, मतलब जो पूछताछ में बात सामने आई है कि पूर्व में भी इसने एक महिला के साथ में इस प्रकार से दुष्कर्म किया था
और जब ये घर से निकल के मतलब इस मानसिकता से निकलता है कि मेरे को दुष्कर्म करना है किसी महिला के साथ। भिंड, मुरैना, ग्वालियर की स्ट्री शीटर के गुनाह का काला चिट्ठा खंगाला जा रहा है। आखिर अब तक कितने शिकार। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दसवीं क्लास की छात्रा अचानक लापता हो गई। लड़की रात में अपने घर से निकली थी, फिर उसका कहीं सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद नहर में छात्रा की लाश मिली, कई टुकड़ों में कंकाल मिला। हत्यारा कोई अपना ही था, आखिर वो कौन है, देखिए रिपोर्ट। छात्रा का मर्डर, नहर में दफन लाश। टुकड़ों में मिला कंकाल। राज खुलने का डर, मर्डर। प्रेमी की खौफनाक साजिश। कातिल कोई अपना था। 12-13 मई की दरमियानी रात दसवीं क्लास की छात्रा कंचन अचानक लापता हो गई। सुबह घर वालों ने हर जगह बेटी को तलाशा, लेकिन कंचन का कहीं सुराग नहीं मिला। मऊगंज की नईगढ़ी थाना पुलिस लड़की की तलाश कर रही थी। इधर परिवार को ऐसी खबर मिली जो होश उड़ाने वाली निकली। छात्रा की लाश नहर में मिली। गड्ढे में लाश को दफन किया गया था। कंकाल के कई टुकड़े मिले। 12-13 की दरमियानी रात में ये बालिका थी जो कंचन साकेत, ये गुमशुदा हुई थी और इनके परिजनों ने 13 तारीख को FIR थाना नईगढ़ी में कराई थी और इसकी काफ़ी जांच भी की गई, पूछताछ भी की गई। 30 तारीख को गांव में ही, हरदिया गांव में ही पास में नाले में उसकी लाश मिली। हर एक एंगल पर जांच जारी थी। लड़की के घर वालों ने एक शख्स पर शक जाहिर किया। उस संदिग्ध से जब पूछताछ हुई तो सारा राज बाहर आ गया। हत्यारा लड़की का रिश्तेदार निकला, आरोपी मुकेश, जिसने पूछताछ में खुलासा किया कि लड़की और उसके बीच 2 साल से प्रेम संबंध थे। परिजनों ने बताया कि इनको संदेह है कि जो मृतिका की चाची का भाई मुकेश साकेत, जो कि बरोखड़ थाना गढ़ का रहने वाला था, उस पर शंका जाहिर की। 12-13 मई की दरमियानी रात दोनों ने मुलाकात की, लेकिन लड़की की एक जिद पर आरोपी मुकेश छल्ला उठा। आरोपी मुंबई में रहता है, लड़की मुंबई ले जाने की बात कर रही थी। इधर आरोपी का इस बात पर इनकार और उधर लड़की के शोर मचाने पर मुकेश ने उसकी जान ले ली, फिर लाश को नहर में दफना दिया। अंधे कत्ल की खुलासा नईगढ़ी में जो हरदिया गांव में एक 16 साल की नाबालिग बालिका का हुआ था, उसका 24 घंटे में खुलासा कर दिया है और आरोपी मुकेश साकेत को गिरफ्तार भी कर लिया है और मृतिका का मोबाइल भी आरोपी से जब्त कर लिया है। आरोपी से मृतक लड़की का मोबाइल भी बरामद किया गया है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बजरंग दल के नेता की मौत की मिस्ट्री, जिसकी लाश जंगल में मिली थी। जंगल में ही एक लड़की की भी लाश मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। करंट लगने से मौत हुई। सवाल है कि करंट वाली चाल क्या किसी साजिश का हिस्सा है? तारीख 27 मई, जिस तारीख ने बलरामपुर में बवाल की तस्वीर सामने आई, चक्का जाम हुआ, हंगामा हुआ और पुलिस को दिया गया 75 घंटे का अल्टीमेटम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। दरअसल 27 मई को NH 343 के पास
डुमरखी के जंगल में दो लाशें मिली थी। ये लाश थी बलरामपुर में बजरंग दल के जिला से सहयोजक सुजीत सोनी की। मौत की ये गुत्थी तब और उलझ गई जब इसी जंगल में एक और लाश मिली। सुजीत की लाश के पास एक लड़की की लाश पड़ी थी। मरने वाली लड़की का नाम किरण था। दिनांक 27 की घटना है जिस पर पूर्व में सुजीत की गुम होने की और फिर बाद में फिर उसकी डेड बॉडी मौके पर से बरामद हुई थी। इस पर साथ ही साथ एक युवती की डेड बॉडी बरामद हुई थी। दोनों प्रकरणों में मर कायम करके पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में इसकी जो मौत है विद्युत। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना है।